हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एजुकेशनल चैनल। तो देखिए, जैसा कि नोटिस आया है, एसएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है सीपीओ का, रिक्रूटमेंट का। आज ही 3 तारीख को ये नोटिस आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस कैफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISA 2018 का रिक्रूटमेंट निकाला है, जिसमें ये पेपर 1 पेपर 2 दो पार्ट में किया जाएगा और इसके साथ मेडिकल टेस्ट भी होगा, जिसके बारे में हम डिटेल्स पे बात करेंगे। टोटल 1223 वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है पहले से तैयारी कर रहे थे कि कब इसका वैकेंसी निकलेगा। तो फाइनली एसएससी ने इसका वैकेंसी निकाल दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो किस किस चीज़ में वैकेंसी निकला है, क्या क्या पोस्ट है, क्या रिक्रूटमेंट है, क्या फिजिकल टेस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर जीडी पहले जो है CAPF में निकाला है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दिल्ली पुलिस में निकला है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF में निकला है। तो सभी पोस्ट के वैकेंसीज निकले हैं, हालांकि कुछ कुछ पोस्ट थोड़े कम वैकेंसी निकले थे, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि स्टाफ सिलेक्शन लिखा है कि सब जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, यानी कि बाद में बढ़ सकते हैं और ज़रूर बढ़ेंगे। अगर पे स्केल की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर GD में जो है ये ग्रुप B नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसके इनिशियल पे स्केल जो है लेवल 6 में आता है, 33,400 से इसका बेसिक है। तो इसके अराउंड आपको स्टार्टिंग में लगभग 45 से 46,000 की सैलरी होगी। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेवल 6 पे पेमेंट पे आता है और ये ग्रुप C पोस्ट है। जो GD पोस्ट है वो ग्रुप B नॉन गजेटेड पोस्ट है, और जो आपके सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है वो ग्रुप C नॉन गजेटेड है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भी ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए ही है। वैकेंसीज की जो लिस्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब टेबल में दिया गया है। इसके साथ अगर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर GD जो है BSF में सबसे ज़्यादा निकला है, 508 पोस्ट है, और CRPF में 274, ITBP में 85, SSB में 206, ऐसे सब जगह वैकेंसी निकले। CISF का रिपोर्टिंग अभी नहीं हुआ है, इसका वैकेंसी भी ज़रूर आएगा। तो टोटल 1073 और 107 दोनों मिला के 1223 तक वैकेंसी आते हैं टोटल। और जो कुछ रिस्ट्रिक्शन अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि देखा गया है कि जो है आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंडिया के एनी वेयर किसी भी जगह पे हो सकता है, उसके लिए आपका अंडरटेकिंग लिया जाएगा। जो कास्ट का रिस्ट्रिक्शन है SC ST OBC, उनको एज पर जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन है एज के लिए, उनको ज़रूर मिलेंगे। OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 50% कोटा जो है रिजर्व कर दिया गया है, और जो स्पेशल फॉर NSDP है उनके लिए भी कोटा है, और जो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है इन कमांडो कोर्स में उनके लिए भी कुछ सीटें अलॉट कर दी गई है। अब जो है नेवी ऑफिसर जो है, जो स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप यूनिट है, उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया है। सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और टिबेटियन रिफ्यूजी जो 1962 के समय से यहाँ से रह रहे हैं वो एलिजिबल है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। एज की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज 20 से 25 ईयर्स होना चाहिए 1/8/2018 के डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1993 से 1998 तक जो है वो एलिजिबल है। और जो कास्ट के लोग हैं, जो उनको जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स है उसी तरह उनको एज के में जो है रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप B ग्रुप C पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, तो आप डिटेल्स में चेक कर लीजिए। बाकी अगर जो पार्ट है सर्टिफिकेट जो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक सर्विसमैन का जो डेफिनेशन है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसमें से कोई भी एक अगर आप हो, जैसे कि ये लिस्ट है, तो आप एक सर्विसमैन कहला सकते हैं। और सर्टिफिकेट और फॉर्म सर्टिफिकेट जो है इस PDF के लास्ट में दिया गया है। फॉर्मेट में आपको सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में SC ST OBC कास्ट जो और जो PWD के सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपका किसी भी स्ट्रीम पे
बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम, आप बी टेक हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, बीए हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम में आप बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और वो कंप्लीट होना चाहिए 1/8/2018 के अंदर कंप्लीट होना चाहिए पूरी तरह से। और कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने होंगे, जो लोग सब इंस्पेक्टर अप्लाई करेंगे उनके लिए लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना मस्ट है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और जो लोग डिग्री या डिप्लोमा जहाँ से भी किए हैं, डिस्टेंस से किए हैं, रेगुलर से किए हैं, सब लोग यहाँ पे एलिजिबल है, दे हैव बीन अप्रूव्ड। और जो 1/8/2018 के अंदर कोर्स अपने नहीं कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो अप्लाई का लिंक है वो इस पीडीएफ के साथ दिया गया है, ब्लू कलर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ किया गया है, और जो एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेंगे वो। और एक बार फीस पेमेंट होने के बाद आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। ये तो जब आप एप्लीकेशन फिलअप करें तो बहुत ध्यान से फिलअप कीजिएगा। सेंटर कोड और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कौन से रीजन पे, उसकी एक लिस्ट है। तो अप्लाई करते समय जो भी सेंटर आपके लिए सूटेबल हो अप्लाई कर दिए, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बात करें तो पहले पेपर वन होगा, उसके बाद पीईटी होगा, यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी सब एग्जामिनेशन है सब कुछ पास करना आपके लिए मैंडेटरी है। जैसे कि आप है, सब स्टेज में आपको अपियर होना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस स्टेज में अपियर होगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगा। तो जो पेपर वन है उसके चार पार्ट है, जैसे कि एससी का कॉमन फॉर्मेट होता है, सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल जो भी सबके लिए जो फॉर्मेट हो वही फॉर्मेट है। आपको जनरल इंटरली रीजनिंग मैथ जीके और इंग्लिश तीनों के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है। पेपर टू में जो है उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कितना आप इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए 200 नंबर का टेस्ट होगा, जैसे सीजीएल पे लिया जाता है, वो भी 2 आवर्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो ये आपको ये आपके याद में रखना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है। और जो है आपका कंप्यूटर इसका रीजनिंग का और मैथ का जीके का जो भी है इसका सिलेबस दिया गया है, जो बहुत कॉमन सिलेबस एसएससी का जो भी सिलेबस रहता है एग्ज़ाम का वही सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो पीईटी के लिए उन्हीं को ही बुला जाएगा जो पेपर वन क्वालिफाई करेगा, उनके लिए पीईटी वो लोग पीईटी के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए पहले 100 मीटर का रन होगा, 16 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो 6.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और शॉर्ट पुट है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम चीज़ें हैं, बस कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि उनके लिए दौड़ में टाइम 2 सेकंड ज़्यादा है 100 मीटर में, 800 मीटर में 4 मिनट में दौड़ लगाना है, लॉन्ग जंप में थोड़ी कम है, हाई जंप में थोड़ी कम है, लेकिन सब कुछ मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा। चेस्ट मेजरमेंट में फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हाइट और चेस्ट और वेट अकॉर्डिंगली हाइट के हिसाब से मेजर किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आई साइट आपका बिल्कुल N6 होना चाहिए बेटर, और N9 तक वर्ड साइज के लिए होना चाहिए। विजन जो है आपका 6/6 अच्छे आँख के लिए और 6/9 डिस्टर्ब आँख के लिए। जितना भी बेटर आप जिनके ज़्यादा होंगे, राइट हैंड पर्सन के लिए राइट आई ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड पर्सन के लिए लेफ्ट आई ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड ये सब किया गया है ये कोई भी ग्लास को छोड़ कर, अगर आपके पास ग्लास है तो ग्लास बिना ग्लास पहन के आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। पीईटी जो है इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये मैंडेटरी है, ये आपको अपियर होना ही पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आपको जैसे उनके रेस्ट्रिक्शन है वो उस रेस्ट्रिक्शन में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इसके बारे में आप अगर अच्छे से नोटिस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और जो कि आपका टैटू के रिगार्डिंग जो इशू है वो आपको जो जिनके रिलीजन पर्पस में है उनके लिए टैटू अलाउ है, और लोकेशन का जो टैटू होना चाहिए वो लेफ्ट फोरआर्म के अंदर होना चाहिए, और हैंड पे आर्म्स पे कोई भी टैटू अलाउ नहीं है। साइज जो है 1/4 ऑफ द पार्टी एल्बो या हैंड के 1/4 के लेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और दिल्ली पुलिस और उसके लिए सब दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट है उनके लिए टैटू बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस, जो भी पेपर वन में क्वालिफाई करेंगे उनको पीटी में बुलाया जाएगा। पीटी में जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो पेपर टू एग्जामिनेशन देंगे। पेपर टू एग्जामिनेशन के बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको फाइनल लेटर दिया जाएगा। और जो ये DOPT के हिसाब से जो अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। जो भी आपको कैंडिडेट के जो भी और डिटेल्स है ये सब प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिसके लिए जहाँ भी हो ट्रांसपेरेंसी जो क्लियर रहे। और जो भी कॉल लेटर, जो भी आपका कम्युनिकेशन का मोड है, वो आपको आइदर फ़ोन या ईमेल आईडी से प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी कॉल लेटर बाय पोस्ट या बाय हैंड नहीं आएगा। तो आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से, अपना पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दें, जो आपके पास एक्टिव रहता है हमेशा, वही आप प्रोड्यूस करें। और अगर बात करें तो ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्लोजिंग डेट है वो आपके 2/4/2008 अप टू 5 PM है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो ₹100 है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं इसका जो PDF है वो नीचे लिंक पे भेज रहा हूँ। उस PDF पर आप डाउनलोड करके आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के उसके बाद जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आप मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 तारीख से मैं मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही अच्छे मटेरियल्स होंगे जो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली SSC, रेल और बैंक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऐसे मटेरियल्स आपको 7 तारीख से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कीजिए। बहुत अच्छा मौका है, 2018 में हर डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकल रहा है। तो आप सभी बहुत अच्छी तरह मेहनत कीजिए, जितना हेल्प हो सके मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कि जैसे आप पढ़ना चाहते हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसी तरह आपको स्टडी मटेरियल और जो भी आपके लेसन्स है वो देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आप PDF अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। वीडियो में मैं जितना हो सके आपको क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको किस टाइप के मटेरियल चाहिए और कैसे आप पढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ मुझे सजेशन देंगे तो मुझे पढ़ाने में और मटेरियल प्रोवाइड करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ठीक है फ्रेंड, बस अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, 12 से 23 पोस्ट है, जो भी और बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी नौकरी है, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके फ्रेंड, गुड नाइट।